हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम लोग पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं और पोर्ट्रेट में साइड फेस कैसे बनाते हैं इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो, पोर्ट्रेट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना। इसके बाद आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। ओके, अगर आप साइड फेस को बहुत अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फ्रंट फेस बनाने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए पूरा देख लेना वीडियो को। स्टार्ट करता हूँ, तब तक जो भी नए हो चैनल में करो सब्सक्राइब, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, देखना चाहते हो और भी तो, और बेल आइकन को ऑन कर देना, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। पूरा देखना वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, या कुछ अगर वीडियो अच्छा लगता है, फीडबैक देना चाहते हो तो जरूर दे देना, है ना। आपके फीडबैक से एक मोटिवेशन मिलता है, और लाइक तो जरूर कर दिया करो। ओके, हम लोग जो पोर्ट्रेट बनाएंगे साइड फेस, वो लूमीज मेथड के साथ बनाएंगे, है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि लूमीज मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें 99% के आर्टिस्ट इस मेथड को यूज करके पोर्ट्रेट बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। एडवांस लेवल में बनाते हो तो भी, और अगर बिगिनर हो आप तो भी, है ना। और अगर लूमिस मेथड से बनाते हो ना, तो इसका एक खास बात यह है कि बगैर सर्कल के आप पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। चाहे फेस जहां भी देख ले, ऊपर देखे, नीचे देखे, टेढ़ा बेढ़ा कहीं देख ले, सर्कल तो आपको चाहिए ही होगा, है ना। तो सर्कल के लिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है, ये मेरा एक वाटर कंटेनर है, इसके साथ मैं सर्कल ले लेता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, या फिर किचन से चुरा के लाओ कुछ। अब इस बॉल को क्या करो, चार पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हॉरिजॉन्टल से और एक वर्टिकल से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये जो लाइन है ना, ये हाफ हाफ कर दिया। अब यहां से लेके यहां तक हाफ करो, और यहां से लेके यहां तक हाफ करो। ओके, सेम प्रोसेस ऊपर भी जाएगा। इसको और इसको पहले हाफ करो, और इसको हाफ करो। जहां पे आता है एक लाइन खींच लेना है। देखो ये जो फेस है ना, अब ये दो पार्ट में हो गया। हमारा फेस तीन पार्ट में डिवाइड है, अगर हम ऐसा कहें, समझें इसको तो, है ना। एक होता है फोरहेड, एक होता है आईब्रो से लेके नाक तक, और एक होता है नाक से लेके चिन तक। तो इस बॉल में दो पार्ट हमारा निकल जाता है, एक फोरहेड वाला, आईब्रो से बाल तक, यहां से बाल निकलना शुरू होगा, और आईब्रो से लेके नाक तक। अब तीसरा पार्ट क्या होता है, आपको जोड़ना पड़ता है। ये जितना है या ये जितना है, एक बॉक्स नीचे ऐड कर लो। ओके, ये तीन पार्ट हो गया, फोरहेड, ये आईब्रो से लेके नाक वाला एरिया, और नाक से लेके चिन वाला एरिया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, जितना यहां से यहां, इसके अंदर एक बॉल और बनाना है आपको, अंदर में एक सर्कल और बनाना है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये बिल्कुल बराबर है चारों तरफ से, ये जितना है चारों तरफ से उतना ही बॉल बनाना है आपको। अब साइड फेस बनाना है। देखो साइड फेस जब हम बनाएंगे तो क्या करो, इस लाइन को लेके यहां आ जाओ, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, और ये जो लाइन है इसको लेके सीधे आ जाओ। एक समझो, एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा ये,
हमारा जो फेस बनेगा ना इस बॉक्स में ही बनेगा। ये ऊपर जो है ये फोरहेड के लिए है ना, नाक आंख मुंह ये सारा कुछ इधर ही है इस बॉक्स में, क्योंकि ये साइड फेस है। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन होता है, ये जो मिडिल लाइन होता है सर्कल में, वो क्या होता है, आईब्रो वाला लाइन होता है। तो आईब्रो से नीचे जितना एरिया लेना है आपको आंख का, एक लाइन खींच लो ताकि एक दायरा समझ में आए कि आपको उधर ही कंप्लीट होना है। ठीक है, इतना दूर तक में आपको आंख बनाना है। और ये जो लाइन आता है ना अंदर वाला बॉल, ये क्या है, ये नाक वाला लाइन है। अगर हम फ्रंट बनाते तो क्या होता, ये लाइन यहां तक आता, दोनों आंखों को इसके बीच में रखते और नाक हमारा यहां तक कंप्लीट होता। लेकिन साइड फेस बना रहे तो नाक इधर बनेगा, इसलिए इस लाइन को लेके हम इधर आ गए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, नाक बनाना है। नाक बनाने के लिए क्या है, आईब्रो के जस्ट सामने है ना, फोरहेड से नीचे और नाक के ऊपर वाला, मतलब कि आंखों वाले लाइन में यहां पर वो थोड़ा धंसा हुआ रहता है, इसलिए यहां पर लाइन को थोड़ा दबाना है आपको। और उसके बाद यहां से आपको निकालना है नाक के लिए, यहां पर आ जाएगा नाक। पहले देखो प्लेसमेंट दे दो, अगर आप प्लेसमेंट सही जगह पे दे देते हो चीजों को कि आंख कहाँ है, नाक कितना दूर में है, लिप्स कितना दूर में है, तो आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब अगर यहां पर नाक बनाना चाहते हो तो देखो, अगर इसको शॉर्ट में मैं बताऊं, एक छोटा सा बॉल बनाओ और एक बड़ा सा बॉल बनाओ। ठीक है, और इस बॉल के अंदर में क्या करो, यहां पे थोड़ा कर्व लगा दो, ये आपको नाक ऐसे मिल जाएगा बड़े आराम से। इस बॉल को छोटा रखना बस। ठीक है, ये यहां से आ गया। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये बॉल का सबसे बाहर वाला लाइन जो सबसे पहले लिया था, इस लाइन को लेके सीधे नीचे की तरफ इधर आओ, ये कट के निकलना चाहिए ट्राइंगल जैसा। अब सीधे यहां पे चीन में नहीं ला सकते, चीन एकदम ऐसा ही नहीं, नोकीला नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां नहीं लाना है बल्कि थोड़ा सा पीछे रखना है। ओके, ये आपका निकल जाएगा चिन। अब ये जो बन जाता है ना, ये बनता है हमारा जॉ लाइन। और जॉ लाइन या बॉल का ये लास्ट लाइन, दोनों में से कुछ कह लो, इसको लेके सीधे आ जाओ इधर, तो इसी लाइन में हमारा होता है लिप्स, होट है ना। एक एक चीज देखो, एक एक लाइन को पकड़ के कर रहा हूं, सबको प्लेसमेंट मिलता जा रहा है और सही जगह पे, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपको सबसे पहले जगह ढूंढना है कि किसको कितना दूर में रखना है, वो मिलना चाहिए। बाकी जो डिटेल है अंदर में, शेडिंग करना या उसका जो खूबसूरती है, ये आप जितना मक्खन लगाओगे उतना अच्छा बनेगा। लेकिन जो प्रोपोर्शन है, जो प्लेसमेंट देना है चीजों को, वो सही जगह पे मिल जाए, है ना। नाक कहाँ होना चाहिए वो सही जगह आ जाए, लिप्स कहाँ है वो सही जगह पे आ जाए, आंख कहाँ है ये सही जगह पे आ जाए। अब ये जो लाइन है ये क्या है, दोनों लिप्स के बीच वाला लाइन है, तो इसको मैं एक लिप्स ऊपर रखूंगा और एक मैं नीचे रखूंगा। ओके, यहां से ये लाइन क्या जाएगा, थोड़ा सा अंदर, और फिर चिन के लिए ये बन जाएगा ऐसे। देखो खूबसूरती जो भी है आपको ढूंढना पड़ता है, वो कहीं लिखा नहीं है, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है। जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा बनाओगे, जितना पेशेंस रखोगे उतना सुंदर बनेगा। अब ये जो जॉ लाइन है ना, ये इतना एकदम पॉइंटेड तो नहीं होगा, तो इसको क्या करो, थोड़ा सा इरेज कर लो और इसको आराम से मोड़ना है ये करके, धीरे से।
ओके, अब देखो साइड फेस है तो आंख भी हम बनाएंगे तो साइड पे ही बनाएंगे, ये नहीं कि आंख पूरा हम ऐसे दिखा देंगे, है ना, पूरा फेस ही उथल पुथल हो जाएगा। इसीलिए आंख भी अगर हम दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे, आधा फेस दिखा रहे, आधा तो आंख भी दिखेगा आधा। तो क्या बनाना है आपको, ये जो आपको बॉक्स बन रहा है इसके अंदर में, ये इसके अंदर आपको आंख बना लेना है कंप्लीट, इससे बाहर आपको टच नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हमारा नाक का एरिया, जो भी थोड़ा सा डेप्थ या शेडिंग लगाने के लिए, और इधर हो जाएगा हमारा आंख, ज्यादा हमको खोलना नहीं है आंख। ओके, अब यहां से हमारा क्या बनेगा, आईब्रो। देखो ये दोनों के बीच में गैप होगा, ये नहीं कि आईब्रो एकदम यहां से शुरू कर दोगे, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप होना चाहिए क्योंकि दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा गैप होता है ना, इसीलिए अगर आप साइड में दिखा रहे हो तो दोनों के बीच इतना गैप है ना, तो इतना दिखना चाहिए साइड से। तो यहां से हम ले लेते हैं इसका आईब्रो। अच्छा, आईब्रो इस लाइन के बाहर थोड़ा आ सकता है क्योंकि आईब्रो जो होता है वो बड़ा होता है आग से। तो यहां तक हम ले सकते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा दे देता हूं शेडिंग, इधर वाला आईब्रो थोड़ा सा इसका दो चार बाल ही दिखेगा हमको, ज्यादा नहीं दिखेगा। ये अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन आईब्रो में जो बाल होता है वो बड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सिर्फ फीलिंग आ सकता है हमको, वैसा वो बहुत जरूरी नहीं होता। अब क्या लेना है, कान। कान कहां से शुरू होता है, ये जो आईब्रो का लाइन है ना, कान आपका यहां से शुरू होता है और यहां नाक तक में आके खत्म होता है। तो हम ले लेते हैं कान, अभी आप देख रहे हो वीडियो को, चेक करो अपना नाक से लाइन लेके सीधे आओ, कान के नीचे टच करेगा आपको, या आईब्रो से खींच के लेके आओ, देखो कान का ये वाला मिलेगा आपको, टच करेगा, है ना। तो ये जो लाइन होता है ना बीच वाला मिडिल वाला, ये आईब्रो का लाइन होता है या कान का लाइन होता है। देखो सारा जितना फेस में जो कुछ बना रहे हैं हम लोग, सब इस बॉक्स के अंदर में ही बना रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा। ये सब डिटेल्स हैं, ठीक है, इसके पीछे नहीं उलझना है, आप जितना सुंदर डिटेल करेंगे, जितना टाइम लगा के बनाएंगे, उतना सुंदर आपका बनेगा पोर्ट्रेट। इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लेता हूं। अब क्या लेना है, फोरहेड। फोरहेड कहाँ लिया था, ये बाल तक, है ना। सो अगर हम एक आदमी बनाए जैसे कि एकदम अच्छा खासा बाल है इसका हेड में, तो वो भी बना सकते हैं, और अगर एक टकला आदमी बना रहे हैं जिसके सर में बाल नहीं है, तो बिल्कुल इसके साथ आप चल जाएं, लेकिन पूरा इस तरह से राउंड नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वो होता है। किसी टकले आदमी को देख लेना, उसका जो हेड होता है एकदम बिल्कुल ऐसे से लाइन नहीं होता है, बिल्कुल राउंड बॉल जैसा। तो आपको क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा खूबसूरती आपको ऐड करना होता है, क्या है, फोरहेड जो होता है सामने वाला, ये थोड़ा धंसा हुआ रहता है, तो इसको मैंने थोड़ा दबा दिया। अब मैं पहले क्या बनाता हूँ, एक गंजा आदमी को बना देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर चेक करेंगे बाल भी बना के। साइड फेस है,
यहां तक आएगा, ये जो लाइन है यहां से इसका गर्दन नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ साइड फेस बनाया तो यहां से गर्दन ऐसे निकाल देते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पंप जैसा लगेगा। इसका गर्दन यहां से निकलना चाहिए, आपको यूं निकालना पड़ेगा, चिन से इस तरह आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं और जो गर्दन की लाइन है वो मैं ऐसे लेके नीचे आऊंगा। अब यहां से मैं इसको शर्ट पहना दूं, ये इसका कॉलर यहां तक, ठीक है। ये मैं बगैर कोई रेफरेंस बना रहा हूँ, कभी रेफरेंस के साथ में मैं बना के दिखाऊंगा, ये सिर्फ एक मैं ढांचा बता रहा हूँ कि कैसे बनाना होता है, चीज़ों को कैसे प्लेसमेंट देना है, कौन सा कहाँ पर आना चाहिए, कितने दूरी पर आना चाहिए, मैं ये सब बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई डिटेल नहीं है। बस आप समझ जाओ कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए कितना लाइन खींचना होता है और कौन कौन सा कहाँ होता है, फिर किसी पर्टिकुलर फेस को बनाओगे। सर सब कुछ यही मेथड के साथ आप बना सकते हो, या मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँ। मैं इसको थोड़ा सा अब क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलो इसका शेडिंग मैंने हटा दिया, बाहर वाला जो पहनाता हूँ इसको कपड़ा, इस पर मैं शेडिंग लगाता हूँ एकदम बेसिक स्ट्रोक्स। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक गंजा आदमी दिख रहा है। अब यहां से जो एक लाइन आती है ना, हम ये रख सकते हैं, और ये जो सीधा जा रहा है इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको दबाना है ताकि एकदम गोलू मोलू सा आदमी नहीं बन जाए। देखो कर्व लाइन जो भी है ना फेस में, जो भी खूबसूरती है या किसी भी ड्राइंग में खूबसूरती है, वो आपको देखना पड़ता है कि वो कैसा है। ओके, ये हो गया। अब मैं इसमें चाहूं कि मैं बाल बनाऊं, अगर एक टकले आदमी के हिसाब से देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसमें बाल बनाना चाहूं, आराम से बाल बन सकता है, जैसे मैं जो भी चाहो। देखो एक मैं थोड़ा सा क्या बनाता हूँ, आधा अधूरा बाल वाला आदमी बनाता हूँ। यहाँ अब क्या करो, ये सब लाइन को इरेज कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि पूरा फेस ठीक ठाक आया या नहीं आया। ये सब लाइन को हटा दो, बार बार रिपीट करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
सेम प्रोसेस के साथ फ्रंट फेस भी बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो डिटेल है, ये जैसे जैसे हम डिटेल करेंगे इसमें एक्स्ट्रा लाइन, ये सिर्फ बाहर का एक आउटलाइन तैयार हुआ है बस। अब जैसे जैसे यहाँ पर हम डिटेल करेंगे पोर्ट्रेट और भी सुंदर निकलता आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, नाक में शेडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा नाक खड़ा हो जाए। लिप्स में शेडिंग दे दिया, यहां पर भी डार्क होगा। अच्छा, ये जो आईबॉल है यहां पर आईलाइसेस दिखेंगे तो होगा। आंख का जितना एरिया है ये भी थोड़ा सा दिखता है, और ये वाला जो अंधेरे में होता है। यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि इसका गाल थोड़ा सा धंसा हुआ बनाऊँ तो यहाँ पर मैं शेडिंग दे दे सकता हूँ। ये सब क्या है, ये सेकेंड स्टेप में काम कर रहा हूँ। आपको ये सब नहीं करना है, आपको पहले बाहर का ढांचा में काम करना है बस। पहले आप समझ जाओ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, पहले उधर काम करो। ये भी थोड़ा सा क्या दिखेगा, धसा हुआ दिखेगा। यहाँ पर फेस का शैडो नीचे आ रहा है इसलिए बहुत अंधेरा दिखेगा। जितना कुछ कम टाइम में जो डिटेल आप कर सकते हैं उतना सा ऐड कर दो, लेकिन डिटेल के पीछे कभी भी उलझना नहीं चाहिए। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, एक अच्छा ड्राइंग बनाना चाहते हो, एक अच्छा स्केच बनाना चाहते हो, पेंटिंग बनाना चाहते हो, सो पहले सीखने में ध्यान दो, डिटेल में मत ध्यान देना। देखो डिटेल बनाना जितना मुश्किल नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल फॉर्म बनाने में है। अगर डिटेल के मतलब क्या होता है ना कि आप पेशेंस रखो, एक ड्राइंग को एक महीने तक में बनाओ, धीरे 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 काम करना है उस पर, फिर टेक्सचर ढूंढना है उसको, जैसा है उसके ऊपर लगे रहो, काम करते रहो। लेकिन किसी डिटेल वाले चीज़ को उसका मोटा मोटा ढांचा तैयार करना इतना आसान नहीं है, है ना। उसको देखने के लिए आपको मास्टर टाइप देखना पड़ेगा, देखने का तरीका आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप नॉर्मल देख रहे हैं, एक फ़ोटो को बहुत डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन उसको फॉर्म में सिर्फ जो आर्टिस्ट होता है वही देख पाएगा, हर कोई नहीं देख सकता। इसलिए ज़्यादा काम करना चाहिए फॉर्म में, किसी चीज़ को फटाफट 2 मिनट में उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लो, उसके डिटेल पे मत जाओ। अगर वो आता है सो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं और आप इम्प्रूवमेंट की तरफ रहेंगे। और अगर डिटेल में करोगे तो याद रखना, जो अभी कर रहे हो वो 2 महीने बाद भी करोगे और 2 साल बाद भी करोगे। पहले सीखो फिर डिटेल करना, डिटेल करना कोई गलत बात नहीं है। ये जो रैपिड स्केच होता है ना, रैपिड स्केच कौन कर पाता है, जो फॉर्म में देख पाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो रैपिड स्केच नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनको सब कुछ डिटेल में दिखता है। कहते हैं लोग कि सर रैपिड स्केच नहीं होता है, क्यों, आप देख ही नहीं पा रहे हो उसको, उस नजरिए से देख नहीं पा रहे हो, है ना। एक फिगर को कितना कम में मुझे देखना है वो देख ही नहीं पा रहे हो आप। अब जब देखते हो वो पूरा लटक के सब आ जाता है, उसका कपड़े का फोल्ड तक, स्किन में बाल जो दिख रहा है वो तक, है ना, एक एक डिटेल आ जाता है।
और उसमें से आप ये नहीं ढूंढ पाते हो कि मुझे कितना को देखना है और कितना को बनाना है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसीलिए फॉर्म में काम करो, पहले स्ट्रक्चर में, ढांचे में काम करो, रैपिड में काम करो, आप अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे, और नहीं करोगे तो फिर ओके। इससे ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, ये इतना कंप्लीट है। ये एक साइड फेस का ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, इसमें डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो अगर आप सीख रहे हैं तो पहले आप ढांचा बनाना सीखिए, और अगर आप साइड फेस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बड़े आराम से फ्रंट फेस को भी बना लेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आईब्रो का लाइन कौन सा है, नाक का लाइन कौन सा है, लिप्स का लाइन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर होता है। अगर आपने प्लेसमेंट ढूंढ लिया तो आप आराम से पोर्ट्रेट बना सकते हैं, है ना। अच्छा, ये जो गर्दन का लाइन है, कभी भी साइड फेस बनाते हो ऐसा कभी नहीं बनाना, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है गड़बड़ करते हुए, इसलिए मैं इस पर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि ये जो जब आप गर्दन उठाते हो ना तो वो सीधे नहीं जाता है, ठीक है, वो इधर के तरफ जाएगा, कनेक्ट होता है, क्योंकि यहां से वो जुड़ा हुआ है चिन के नीचे से, इसीलिए ये सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो कितना समझ में आया ये साइड पोर्ट्रेट, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, और फ्रंट फेस भी मैं जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बहुत डिटेल में ड्राइंग स्केचिंग सीखना चाहते हो तो मेरा एक 3 मंथ का ट्रेनिंग है, अभी दिवाली ऑफर है, फीस मैंने एकदम कम कर दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, उसमें पोर्ट्रेट है, फिगर, लैंडस्केप है ना, स्टिल लाइफ, कैसे सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फोकस कैसे करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ट्रिपल कैसे बनाते हैं, ये जो भी फंडा होता है ना ड्राइंग का, स्केचिंग का, सब मैंने उस कोर्स में कवर कर लिया है, और फीस अभी बहुत ही कम है। तो अगर आप ड्राइंग स्केचिंग सीखना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करो, इस नंबर में जाके मुझे मैसेज करना, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा। वन टाइम पेमेंट करना है और बहुत ही मिनिमम फीस है। इसी तरह अगर वाटर कलर भी सीखना चाहते हो तो उस पर भी एक लिमिटेड टाइम का ऑफर है, वाटर कलर भी 3 मंथ का है और वन टाइम पेमेंट करना है, एकदम मिनिमम फीस है। उसमें भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। सो अगर आप ड्राइंग स्केचिंग सीखना चाहो, इम्प्रूव करना चाहो, या वाटर कलर को इम्प्रूव करना चाहो, बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो। इस नंबर में जाके मुझे मैसेज करना और जो भी डिटेल्स है वो ले लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।